दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि डी फार्मा कोर्स क्या होता है, डी फार्मा कोर्स कैसे कर सकते हैं, ये कितने साल का होता है और डी फार्मा कोर्स को करने के बाद आगे हम कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो में हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। भाई देखिए क्या होता है कि ये जो आपका कोर्स है डी फार्मा, वो एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है। आप 12th के बाद बहुत ही आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसमें छात्रों को दवाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती है। बेसिकली इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि दवाओं को कैसे बनाया जाता है, दवा की मार्केटिंग कैसे की जाती है, दवा को स्टोर कैसे किया जाता है, किस बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है। इसके अलावा फार्मेसी से संबंधित सॉफ्टवेयर का ज्ञान भी दिया जाता है। डी फार्मा कोर्स में एक प्रकार से दवाओं की पूर्ण जानकारी दी जाती है, दवा बनाने से लेकर दवा बेचने तक विस्तृत जानकारी दी जाती है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं। भाई देखिए, डी फार्मा जो आपका है वो 2 ईयर का होता है, ठीक है, 2 ईयर का होगा, 4th सेमेस्टर होते हैं, यानी कि टोटल मिला जुला कर आपका 4 सेमेस्टर होता है। और डी फार्मा आप चाहें तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। इसमें आपको जो दवाइयों की मार्केटिंग है वो बताई जाती है, उसके बाद से आपको मेडिकल का जो है वो शॉपकीपर कैसे खोलना है, ये सब आपका सारा डिटेल्स डी फार्मा के अंदर बताया जाता है। भाई देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना बेहतर ही ज़रूरी रहता है, जैसे आपका UPSEE, GPAT, उसके बाद से JEE यानी कि JEE फार्मेसी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद से AU AIMEE का एग्ज़ाम देना रहता है। अगर आप इन एग्ज़ाम को देते हैं तो आप बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेंगे, ठीक है। बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है कि डी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि डी फार्मा कोर्स आपका 2 ईयर का होगा, 4 सेमेस्टर रहते हैं, ठीक है, यानी कि 1 ईयर में आपको 2 बार एग्ज़ाम देना रहता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि डी फार्मा के लिए क्वालिफिकेशन, भाई देखिए, डी फार्मा कोर्स करने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता, आपको जो है डी फार्मा कोर्स करने के लिए आप कम से कम 12th पास रहने अनिवार्य है। 12th में आपका PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहना अनिवार्य है, तभी आप जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं डी फार्मा का कोर्स। भाई देखिए, डी फार्मा की फ़ीस कितनी होती है, सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है। अगर अभी आपको बता दें कि डी फार्मा की फ़ीस कितनी होती है, तो भाई देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो 10,000 से लेकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष होती है, यानी कि अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर के लिए 10,000 से लेकर 20,000 रुपये देना रहता है। वहीं हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो भाई प्राइवेट कॉलेज में आपका जो फ़ीस है वो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक होता है डी फार्मा कोर्स करने के लिए। भाई देखिए, डी फार्मा कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी प्लेसमेंट है वो बहुत ही बेटर रहती है। उसके बाद हम आपको बता दें, जैसे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो सैलरी कितनी रहती है। भाई देखिए, यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक मिलती है। यहीं आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 20,000 to 37,000, यानी कि 20,000 से लेकर 30,000 जो आपकी सैलरी है वो हो जाती है। वहीं हम आपको बता दें, डी फार्मा कोर्स पूरा करके यदि आप जो छात्र मेडिकल शॉप के ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं, वो आसानी से 50,000 रुपये से भी अधिक कमा सकते हैं 1 मंथ में, अगर आप जो है मेडिकल शॉप खोलना पसंद करते हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।